स्कोप नो। तो गाइज अभी नीचे पहुंचे नहीं, आई नीड अ स्कोप। अरे भैया नीचे पहुंचने तो दो, तो देते हैं। थैंक यू। अरे मिल भी गए क्या स्कोप? क्या बात है भैया, क्या सेटिंग चल रही है लोग की। तो गाइज हम खेल लो तो रैंडम और रैंडम बंदूक साथ जो है कहीं पे भी ये लोग उतार देते हैं, तो उतार देते सेंटर रोड। हम कहे चलो कोई बात नहीं भैया, लूटो अब फटाफट लूटो। और लूटने में जानते हो हमको बहुत लग जाता है टाइम, क्योंकि भले ही बंदे एक भी ना मारे लेकिन बैग फुल होना चाहिए यार। जाते टाइम ये तो रहे कि हाँ हमको जिंदगी में सब कुछ मिल गया है। गाइज आपको एक ट्रिक भी बता दे कि जब भी आप खेल रहे हो ना स्क्वाड में, तो तुरंत लूटने पे ज्यादा ध्यान देना, बॉट को बाद में मार लेना। आप देखो दो नंबर जैसे बॉट को मारने जा रहे होते हैं, हम तुरंत देख लेते हैं, हम पहले मार देते हैं। अरे क्या उसके पास जाके मारोगे क्या? पप्पी देना है क्या उसको? मारो जल्दी से भाई। हम लूट लिए होते हैं और तुरंत जो है गाड़ी लेके घूम रहे होते हैं। भाई ये लोग तो अपने आप को प्रो समझते हैं, हमारे साथ कोई बैठ ही नहीं रहा होता। और भाई लूटोगे कब तक यार? क्या वहाँ खुदाई कर रहे हो क्या? इतनी देर तक देखो खुदाई करके क्या लूट रहे पता नहीं। और एक डेविल हैकर नाम का बंदा आया, इनको बजा भी दिया। हम कहे बहुत अच्छा हुआ, जाएंगे इन्हें छोड़ो रहने दो, लेकिन भाई फिर हमें दया आ जाती है यार। भाई हम बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पीछे से गोली चला रहे होते हैं, लेकिन यार इतनी तेज हवा चल रही होती है कि सारी गोलियां पता नहीं कहाँ चली जाती है। हम कह रुको अब गाड़ी लेके आ रहे हो, इनको एकदम पास में आके मारेंगे। और एक नंबर भी वहीं पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो कुछ क्या बचाने नहीं है। हम कहे तुरंत गाड़ी लेके पहुंचते हैं, ये घर के अंदर दुबक के भाग जाते हैं। हम कहे तो बेटा तुम वो फंस चुके हो, ऊपर भी बंदा है हमारा, नीचे भी बंदा है, कहाँ हो, कहाँ छुपे हो? भाई इनका नाम होता है हैकर, लेकिन इनको यही नहीं पता होता कि बंदा आ कहाँ से रहा है। अभी कहाँ हैकर बनोगे भैया तुम, रहने दो। भाई अभी हम इनको मारते ही तब तक पता चलता है कि हमारी टीम का एक बंदा जो कि जिसका नाम होता है जंदावर, उनको सुधा जो है ख़त्म कर देती है। हम कहे सुधा अभी रुको बताते तुम, बहुत उड़ रही है, बहुत पार निकला है तुम्हारे, कहाँ है तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम? अब भाई देखते तो यहाँ जो है ये पेड़ के पीछे छुपे रहते हैं, पर हमारा टीममेट एकदम अंधौड़ा मार ही नहीं रहता। भाई मारो बे, कब मारोगे? जब हम मर जाएंगे तब। अब हम भाई हम पूरा गाड़ी घुमा के इनको पूरा जो है लौंडे को चारों तरफ से घेर लेते हैं, गाड़ी रोकते हैं। तब तक भैया हमारा जो टीममेट है एस्टेलके वाले जो है खलास कर देता है इन्हें। हम कहे बहुत अच्छे बेटा, तो बहुत आगे जाओगे। और तब तक भैया सुधा बौरा जाती है, सुधा जो है हमारे ऊपर फायर करने लगती है। हम कहे सुधा बेटा तुम बहुत उड़ ली, आज तुम्हारे जो है पर हम ही काटेंगे। हम भैया इनको मारते हैं, तुरंत इनके जो बॉयफ्रेंड जो है इधर उधर से सुनील उनील कुदील कुदील सब निकलने लगते चारों दिशाओं से। हम कहे सुधे कहाँ झाड़ियों जा रही है? रुको बेटा, सुधा को तो हमने बदला ले लिया भैया अपने टीममेट जंदावर का, अब जो है सुधा के बॉयफ्रेंड्स को मारना है। तो सुधा का बॉयफ्रेंड एक पहाड़ी पे होता है और एक इस घर के पीछे होता है। हम कहे रुको बेटा बाहर निकलो, तुम लोग जैसे ही बाहर निकलोगे इतना कंटाप बजाएंगे डायरेक्ट पहुंच जाओगे लॉबी। अब देखो भाई साहब वो वहाँ पहाड़ से झाँक रहे हैं हमको, मतलब बेटा रहा नहीं जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड को मार कर दिए तुम्हें, एकदम परेशानी हो गए, आओ तुमको भी देते हैं हम इनको टप 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 तीन चार गोली मारते हैं, उसमें इनके खोपड़ी अब सारी गोली लग जाती है और ये भैया मर जाते हैं। अब भैया हमारे जो दूसरे टीममेट होते हैं ये डायरेक्ट जाके उनसे भिड़ जाते हैं, और इनके पास भी एस्टेलके, तो भैया एटीट्यूड तो इनके पास भी था लेकिन एनिमी के पास भी एस्टेलके होता है। हम आवाज़ सुन के तुरंत डीपी निकाल लेते हैं, हम जानते थे भैया एस्टेलके से भिड़ना, तो डीपी उपी ले के रहो। लड़के के साथ खेल रहे होते हैं तो बहुत फुदक रहे होते हैं। हम कहे क्यों बेटा, हवा निकल गई, घोड़े लग गए। अब भाई साहब हम तुरंत जो है पीटी वीटी लूटना स्टार्ट करते हैं। तब तक एक की पीटी में हमें मिल जाती है फ्लेयर गन, हम तुरंत चला देते हैं फ्लेयर गन और मंगाते हैं BRDM, क्योंकि हम होते हैं दो और बाकी जो सामने बंदे हैं चार। और भाई साहब डर तो ये था कि कहीं BRDM जो है पेड़ पे ना अटक जाए। हमने कहा चलो भैया बैठो, ए विनोद बैठो, विनोद ए विनोद, अब क्या स्मोक का कल बैठोगे? कहा जल्दी बैठो भैया। कहा हाँ यार ये BRDM के लिए कौन स्मोक करता है मेरे भाई। गाइस BRDM पे धकाधक गोली चल रही होती है और BRDM को पड़ रहा होता है डैमेज। हम तुरंत जो है गाड़ी लेके निकल जाते हैं वहाँ से और तुरंत जो है एक ऊंचा स्पॉट ढूंढने लगते हैं जहाँ इन चारों को मार सके, क्योंकि पास में तो देखो मार नहीं सकते क्योंकि सबके पास होती है एस्टेलके। तो हम तुरंत जो है ऊपरी जगह पे जाते हैं, लेकिन जो है प्लान यहाँ फेल हो जाएगा देखना। भाई ये चारों इतना दिमाग लगा के क्लोजिंग करते हैं कि साला एक को मारो तो दूसरा डैमेज देने लगता है, और उसी में जो हमारे विनोद साहब होते हैं वो जो है उनको लुल हो जाते हैं, उनको जो है सदमा लग जाता है और वहीं घुटनों के बल आ जाते हैं। अब हम कहे रिवाइव देंगे तो हम भी मरेंगे क्योंकि चारों के पास एस्टेल के। अब हम तुरंत यहाँ से जो है BRDM उठाते हैं और निकल लेते हैं। और भाई साहब देखना अब जो क्लच होगा ना भाई, तुमको मजा आएगी।
कहे भले ही BRDA में बैठे बैठे मर जाएंगे, लेकिन साला उन लोग के हाथों नहीं मरेंगे। कोई गुर्दा निकाल लेगा, कोई किडनी निकाल लेगा, कोई कुछ निकाल लेगा, साला बेइज्जती हो जाएगी। हम तुरंत वहां से निकल ले जाते हैं, लेकिन बच जाते हैं। और उधर ये हेल्प हेल्प चिल्ला रहे होते हैं। हम कहे भैया नहीं बचा पाएंगे, कहाँ से बचा ले। और ये भाई साहब हमको मन ही मन गाली दे रहे होते, लेकिन हमें भी गुस्सा आती है। आप देखो भाई, हम तुरंत यहाँ हेल्थ किट लगाए थे और इनके दो बंदे डाउन हुए रहते हैं। हम कहते हैं साला एक तो रिवाइव हो जाएगा, लेकिन इसको जो है पूरा ख़त्म कर दो। और उधर ये विनोद जी को ख़त्म करते हैं। हम कहे कोई बात नहीं, बदला लेंगे विनोद जी, आप चिंता मत करिए, आप आराम से मुंह में गुटखा दबा के बैठे रहिए। भाई साहब ये झाड़ी लपेटे हुए होते हैं तो सोचते कि हम दिखेंगे नहीं। अरे भाई साहब, हम यहाँ से नीचे से देख के ऊपर बता देते कि कौवे ने डायपर पहना है या नहीं पहना। हमको समझा रही है। और भाई अब इनके आखिरी बंदों को आना होता है जोन में। तो भाई साहब ये जो है गोईठा जला जला के, एक गोईठा पहले फेंकते हैं, फिर दूसरा गोईठा फेंकते हैं, जला जला के धीरे धीरे आने की कोशिश करते हैं। हम के आ जाओ, इनको जो है S12K से नहीं मारेंगे, M4 से मारेंगे। आ जाओ बेटा आ जाओ, गोईठा फेंकोगे हैं।